तो दोस्तों वेलकम बैक। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी हमारे साथ एक कंडीशन क्या आई है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लीन गिटार है ना वो सेंटर में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्लीन गिटार है ना वो सेंटर में आ रहा है और वो बाकी काफ़ी सारी जगह हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक साथ आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब मैंने मास्किंग तो कर दी है लेकिन अभी मेरे पास क्या है कि मास्किंग कर दिया फिर भी मेरे पास प्रॉपर मास्किंग अब नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसी जगह पर। तो अभी मेरे को करना क्या है कि मेरे को इसको थोड़ा सा स्टीरियो इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मास्किंग से अब काम नहीं चलने वाला। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको करना बता रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबा देना और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी जो लाइव सब्सक्राइबर देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जो मैं आपको अभी चैनल पर डाल दूंगा ये वीडियो, तो इसलिए घबराना मत कि मैं क्या बोलने लग गया, है ना। और अभी मैं विद्युत तो आपको कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। तो अभी देखो अभी मैं इसको सुन रहा हूँ और मेरे को स्टीरियो विड्थ इस तरीके से बढ़ानी है कि यहाँ पर कोरिलेशन मीटर में जो कि जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फेसिंग का इशू नहीं आए। फेसिंग का इशू का कैसे पता लगेगा अगेन बता देता हूँ, जीरो से नीचे जाएगा तभी फेसिंग इशू आएगा। तो अभी क्या कंडीशन है इसकी सुन लेते हैं। अभी तो बिल्कुल मोनो है ये साउंड तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसमें आपको स्टीरियो विड्थ बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर गेन के अंदर जाके स्टीरियो एनहेंसर का यूज़ कर लेते हैं। कुछ देखने में ऐसा दिखता है ये। तो देखो यहाँ से आप स्टीरियो सेपरेशन कर सकते हो मतलब विड्थ बढ़ा सकते हो। ये बटन बिल्कुल सेम ये वाला ही बटन है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा साउंड है ना वो मोनो हो रहा है तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि यार स्टीरियो विड्थ बढ़ने के बाद भी कैसा साउंड आ रहा है। तो हमको इसमें एक अलग मतलब स्टीरियो विड्थ में क्या होता है लेफ्ट और राइट अलग अलग इमेज होती है लेकिन यहाँ पर हमारी मोनो एक ही इमेज बन रही है तो यहाँ पर हमको स्टीरियो इमेज बनानी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर करना क्या है हल्का सा हम सेपरेशन कर देते हैं तो हल्का सा डिले बन जाता है। ये ऑफसेट है फेस ऑफसेट है ना। तो यहाँ पर हल्का सा ऑफसेट हो जाता है मतलब हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो अभी आपको स्टीरियो इमेज सुनाई देने लग जाएगी और बाकी इसको आप प्लस करोगे तो उतना ज़्यादा वो वाइड होगी, कम करोगे तो उतना ज़्यादा कम होगी। तो अभी हम देखते हैं इसको रीसेट करके और हमने हल्का सा यहाँ पर दिया। आप यहाँ पर भी करोगे तब भी बन जाएगी मतलब अभी लेफ्ट और राइट का चक्कर पड़ता है, कभी लेफ्ट वाली आगे हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर राइट वाली आगे, इस तरीके से होता है। तो देख लो आप करके जो भी आपको सेट बैठ रहा है। अभी हम देखते हैं और सुनते हैं कि क्या हमारा साउंड बन रहा है अभी। अब आप देखो कि हमने क्या किया है, हमने हल्का सा इसमें स्टीरियो इमेज भी लगा दी है ना। और स्टीरियो इमेज के साथ अब हमारा ये जो साउंड है वाइड हो गया है ना। अगर आपके में फेसिंग का इशू भी आ रहा है तो आप फेस इन्वर्ट करके भी देख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर फेस इन्वर्ट करने के बाद फेसिंग का इशू आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं एक बार आप जूम करके दिखा दूंगा आपको। और ये रहा प्लगइन, तो यहाँ पर फेसिंग का इशू आने लग गया देखो। तो मैं यहाँ पर फेस इन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से आप अपने साउंड को स्टीरियो बना सकते हो मोनो से। और कोरिलेशन मीटर भी फ्री है, आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हो। तो अभी हल्का सा मैंने आप देख लो कि स्टीरियो इमेज बना दिया। अब मैं इसको हल्का सा और वाइड कर लेता हूँ जितना हो सकता है मैक्सिमम। मेरे पे देखो इस नॉब को मैं हिला के कर रहा हूँ ये, तो मैं इससे ज़्यादा इसको वाइड नहीं कर सकता। तो देखो मैंने अभी मोनो साउंड की स्टीरियो को बढ़ा दिया है। तो ये ट्यूटोरियल आज लाइव वीडियो के साथ ही रिकॉर्ड हो गया है और इसका टाइटल जाने वाला है आज हाउ टू कन्वर्ट ए मोनो साउंड इनटू ए स्टीरियो साउंड, है ना, या जो भी मैं आपको डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अपना कमेंट भी मेरे को शेयर करना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।